तो अगर आपका बजट 3 से 4 लाख रुपए के अंतर्गत है और आप अपनी छोटी फैमिली के लिए कोई माइक्रो एसयूवी कार को मार्केट में तलाश रहे हैं, तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी भारतीय बाजार में मिडिल क्लास और मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए इस गर्मी के मौसम में धमाकेदार कार के साथ एंट्री लेने वाली है। बता दें कि हाल ही में महिंद्रा मोटर्स ने अपनी पहली एसयूवी कार यानी X30 को लॉन्च करके मार्केट में तहलका मचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत की नंबर वन कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी अपने सस्ते दामों के चलते अपनी सबसे पॉपुलर कार YTV के साथ भी दस्तक देने वाली है। बताया जा रहा है कि दोनों कारों में कड़ा मुकाबला देखने को मार्केट में मिलने वाला है। YTV की अगर बात करें तो ये कार अपने लुक से लेकर डिजाइन के मामले में एक फ्यूचरिस्ट डिजाइन के साथ नजर आती है। YTV को कई मौकों पर टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर भी देखा जा चुका है। ये हुए ऑटो एक्सपो से लेकर कई मामलों में भारतीय दिलों में पहले ही बस चुकी है। इसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था, अब वो घड़ी आ चुकी है जब इस कार को मार्केट में महिंद्रा जैसी कंपनी की कारों को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि मार्केट में आने वाली इस छोटी माइक्रो एसयूवी कार में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। आने वाली YTV को सबसे खास जैसा कि इस कार का लुक बनाता है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए आने वाली आपकी चहेती कार YTV के लुक और डिजाइन की ही सबसे पहले बात कर ली जाए। आगे कार मारुति सुजुकी ने महिंद्रा की इस कार को टक्कर देने के लिए YTV को कैसा डिजाइन दिया है, तो वीडियो में आने वाली YTV को आप इस नए डिजाइन के साथ देख पा रहे हैं कि कार का लुक काफी शानदार और एक लोअर डिजाइन वाली SUV जैसा नजर आता है। ये कार अपने लुक से लेकर शानदार फीचर से भी भरमार है। इस कार के फ्रंट में देख लिया जाए तो YTV के अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइनअप स्लिक द्वारा डिजाइन में दिखाई देते हैं, जो कि कार को पूरी तरीके से काफी खास और स्टाइलिश बनाते हैं। साथ ही साथ बीच में लगे इस कार में डे टाइम रनिंग लाइट्स भी काफी ज्यादा इस कार को हैवी लुक दे रहे हैं। और आखिरकार मारुति सुजुकी ने इस बार कुछ नया ही अपनी YTV में कर डाला है, क्योंकि नए न्यू रेटिनाइन अपडेट ग्रिल का इस्तेमाल बॉडी लाइनअप के साथ ही जोड़ डाला है, जिसके चलते कार पूरी तरीके से फीचरस लुक मार्केट में देती हुई नजर आती है। YTV को सबसे ज्यादा खास एक और चीज मार्केट में बना रही है, क्योंकि इस कार का बम्पर पे नजर डाल लीजिए। कार के हैवी लुक वाले बम्पर को पूरे सिग्नल लाइनअप वाले क्रीज ऑप्शन से ढका गया है, जिसमें लगे दोनों साइड बिल्कुल नए आकार के फॉग लैंप, जो कि कम बजट में इस कार को वाकई में ही स्मार्ट बना देते हैं। आने वाली YTV अपने ओवरऑल लुक फ्रंट से मामले में काफी शानदार नजर आती है। साइड प्रोफाइल पे भी अगर गौर कर लिया जाए तो आने वाली YTV में ग्राहकों का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि इस कार को ऑफ रोडिंग के दीवानों का सपना भी पूरे कम बजट में पूरा करने के लिए बनाया गया है। आगे कार YTV को भारतीय बाजार की तंग रस्ते, उबर खाकर सड़के, ऑफ रोडिंग के दीवानों को ध्यान में रखते हुए 18 इंच के बड़े टायर्स के साथ डिजाइन दिया गया है, जिसके चलते इस कार में अलॉय व्हील ऑप्शन की सुविधा इस बार सेगमेंट में इस कार में फ्री में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ YTV को सबसे खास इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस भी बनाता है, क्योंकि कार का ग्राउंड क्लीयरेंस काफी हद तक ऊंचा रखा गया है, जिसके चलते आपको कार में ड्राइविंग करते हुए काफी मजा YTV जैसी कार में आने वाला है। YTV पे जरा और गौर करिए तो देख लीजिए, कार में अब इस बार नए डिजाइन के नए हैंडल्स बार लॉकिंग सिस्टम के साथ दिखाई देते हैं, जिसको आप एक टच सेंसर द्वारा ही अनलॉक अपनी कार को कर सकते हैं। कमाल की बात, फीचरस डिजाइन के साथ फीचरस फीचर्स और शानदार लुक के आने वाली YTV के दोनों साइड विंग्स में एक्शन कैमरे जैसी प्रणाली को भी जोड़ डाला है, जिसके चलते आप काफी मजे इस कार में लेने वाले हैं। YTV को मार्केट में 3 कलर कॉम्बिनेशन और डुअल टोन थीम में लॉन्च किया जा रहा है। ना कमाल की बात, महिंद्रा मोटर्स की आई X30 को गई टक्कर देने के लिए आखिरकार मारुति सुजुकी ने अपनी YTV को फाइनली लॉन्च करने का निर्णय इस हफ्ते ले ही लिया है। और YTV जितना खूबसूरत इस बार नजर आ रही है, उतना ही ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए और बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देते हुए आखिरकार इस कार में भी दमदार जानदार इंजन का इस्तेमाल कंपनी ने कर डाला है, जिसके चलते आपको इस SUV कार में भी शानदार ऑल्टो जितना ही माइलेज देखने को मिलने वाला है। मारुति सुजुकी अपने परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए जानी जाती है, तो आइए फिर बात कर ली जाए YTV के फाइनल ईयर इंजन तथा पावर के बारे में। तो मार्केट में आने वाली YTV में आपको 2.5 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि भारतीय बाजार की सड़कों पर 230 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 240 nm तक का टॉक्शन रेट कर पाने में क्षमता रखता है। आने वाली YTV में आपको 5 स्पीड EMT से लेकर 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन इस बार मिल जाएंगे। और माइलेज की बात आती है तो मारुति सुजुकी की कारों को माइलेज और परफॉर्मेंस के मामले में भारतीय बाजार में किंग कहा जाता है। ये कार अपने कम बजट में माइलेज और परफॉर्मेंस देना आज तक नहीं भूलती है, और YTV का माइलेज तो 30 से लेकर 40 के
आसपास प्रति लीटर में बताया जा रहा है। इतना तो भारतीय बाजार में एक बाइक ही इतना माइलेज दी जाती है। एटीबी जैसा प्रोडक्शन काफी लंबे समय से टेस्टिंग पीरियड में था, मगर इस बार अब वो घड़ियां आ चुकी है जब इस कार को पूरी तरीके से फाइनली लॉन्च भारत में जो किया जाना है। YTB जितना स्मार्ट और जितना खूबसूरत मार्केट में नजर आती है, उतना ही इस कार में दमदार फीचर्स की भरमार भी मिलने वाली है। आखिरकार ग्राहक अपने कम बजट में कारों में शानदार फीचर्स को भी तो तलाशता है। हर कोई चाहता है कार भी ली जाए और साथ ही साथ फीचर्स भी उस कार में दिए जाए, तो आने वाली YTB उन्हीं ग्राहकों के लिए काफी खास कम दामों में होने वाली है, जिसके चलते वही ग्राहक अपनी कार में शानदार फीचर्स के मजे जो लेने वाले हैं। तो आइए वीडियो में फीचर्स और इंटीरियर की तरफ गौर कर लिया जाए। तो YTB के आप इंटीरियर पे अभी गौर कर पा रहे हैं कि कार का डैशबोर्ड आपकी आंखों के सामने है। देख लीजिए खुद ही कि पहली बार में ही प्रीमियम फील तो आपको जरूर से बैठने में इस कार में आने वाला है। इतने कम दामों में भी कार में एक प्रीमियम डैशबोर्ड को डिजाइन दिया गया है, जिसके चलते ब्लैक और सिल्वर रंग के आउटलेट का इस्तेमाल कार के डैशबोर्ड में ज्यादा किया गया है और दोनों साइड बिल्कुल नए डिजाइन के हाई टेक ऑटोमेटिक एसी वेंट्स भी नजर आते हैं। और साथ ही साथ इस कार में आपको 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन तक भी देखने को मिलता है, जो कि कार को वाकई में ही कम दाम में स्मार्ट बना रहा है। आने वाली YTB किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि कार में 8 इंच के फुल साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का मजा भी आपको इन कम दामों में इस कार में मिलता है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट से लेकर नेविगेशन सिस्टम और UVI जैसे कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी आप अपनी कार में ही एक्सेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कार के साथ स्मार्ट भी बना सकते हैं। आने वाली YTB में इतना ही नहीं, कार में वायरलेस चार्जिंग ले लो, स्मार्ट चार्जिंग, डी प्लगिंग ऑप्शन, हारमन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन भी इस बार YTB को खास बना रही है। ये तो हो गई कार के फीचर्स की बात। कम्फर्ट की बात आती है तो मारुति सुजुकी अपनी कारों में कम्फर्ट का काफी ज्यादा ध्यान रखती है और कम बजट में ऐसी मुहैया सीटें करवाती है जो कि कम्फर्ट से लेकर लॉन्ग ड्राइव से लेकर आपको शानदार राइडिंग कार में दे पाए। और मैं अपोलो सीट्स का सेक्शन दे डाला है, जिसके चलते कार की सीटों को केवल एक ही टच द्वारा आप 14 तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, 360 एंगल तक मोड़ पाएंगे। तो स्मार्ट ग्राहकों के लिए सेफ्टी फीचर्स भी स्मार्ट इस कार में दिए गए हैं। इस कार में कम बजट में भी आपको 2 एयरबैग्स तो देखने को मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ साइड एयरबैग्स को भी शामिल किया गया है। EBD टेक्नोलॉजी के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक और फ्रंट कैमरे जैसे शानदार सेफ्टी फीचर्स मार्केट में इस स्मार्ट कार को और भी ज्यादा सुरक्षित बना देते हैं। फाइनली बात कर लीजिए YTB के लॉन्चिंग तथा कीमत की बात, तो मार्केट में YTB को 3 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। स्टार्टिंग बेस वेरिएंट की कीमत 3.20 लाख रुपए सेक्शन प्राइस होने वाली है। साथ YTB पे आप जरूर से गौर कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी YTB को इस बार बुक करना फाइनली चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो बिना वीडियो को लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।